हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अफगानिस्तान विशेष बांग्लादेश के बीच में जो थर्ड T20 और लास्ट T20 मैच होने वाला है, इस मैच के बारे में। तो इससे पहले आपको भी पता होगा कि अफगानिस्तान 2 में से 2 मैच जीत चुके हैं और सीरीज़ भी जीत चुके हैं, और ये मैच जो है लास्ट मैच है इन दोनों के बीच में T20 मैच। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको प्लेइंग 11 न्यूज़ एंड अपडेट जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूज़ ऑन प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो फ्रेंड, बात करते हैं बांग्लादेश की प्लेइंग 11 के बारे में। तो बांग्लादेश बहुत सारी चेंजेस कर सकता है रिगार्डिंग, पहले तो उन्होंने 2 मैच वो लोग बहुत ही बुरी तरीके से हार चुके हैं अफगानिस्तान से। इसके अलावा और भी जो जिन लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, जैसे सबीर रहमान, सौम्य सरकार को पिछले मैच में मौका मिला था, अबू जादेव, अब्दुल हसन और मेहदी हसन, इन लोगों को जो है मौका शायद मिल सकता है बॉलिंग डिपार्टमेंट पे। वहीं पे सबीर रहमान या सौम्य सरकार को जो है बाहर भी बैठना हो सकता है। तो इसके अलावा जो है 1-2 चेंजेस हो सकते हैं। और बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के प्लेइंग 11 के बारे में। तो अफगानिस्तान जो है अराउंड सेम प्लेइंग 11 के साथ ही जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो है पिछला 2 मैच जो है ये लोग जीत चुके हैं। तो फ्रेंड, बात कर लेते हैं सेफ एंड बेस्ट टीम के बारे में, जिससे आप बहुत ही अच्छा विन कर सकते हो। तो विकेट कीपर पर आपके पास दोनों ही बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं, तो आप चाहें तो दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो मोहम्मद शहजाद आपके लिए बेटर ऑप्शन होंगे, क्योंकि वो ओपनिंग करते हैं और बहुत ही अच्छे फॉर्म में भी है। वहीं पे आप ग्रैंड लीग में चाहें तो मुस्तफ़िज़ुर रहमान को ट्राई कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं बैट्समैन की। तो बैट्समैन पे आपके पास जो है जो इनफॉर्म बैट्समैन है मैं उनकी पहले बात कर लेता हूँ। तमीम इकबाल प्रीवियस मैच में अच्छी खासी इन्होंने रन बनाया था। वहीं पर शेरवानी, मोहम्मद उल्ला, असगर स्टैंडजा, उस्मान घानी। और इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये 5ों जो बैट्समैन हैं ये अच्छे फॉर्म में हैं। इसके अलावा आप चाहें तो लिटन दास को ले सकते हैं, शफीक को ले सकते हैं, सौम्य सरकार रिस्की हो सकता है, सबीर रहमान भी रिस्की हो सकता है, और नजीबुल्ला को आप जो चादरन को जो है ट्राई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं ऑलराउंडर की। तो ऑलराउंडर पे मैंने यहाँ पे जो है मोहम्मद नबी एंड मदसक हसन को लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे शकीब अल हसन को ले सकते हैं। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको जो है बहुत ही अच्छे अच्छे टीम न्यूज़ एंड एनालाइज करके मिलता रहेगा इस चैनल पे। बात कर लेते हैं बॉलिंग पे स्टार बॉलर जो है राशिद खान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे, चाहे आप स्मॉल या ग्रैंड लीग खेल रहे हो। इसके अलावा रूबेल हसन को आप ट्राई ज़रूर कीजिए, और बहुत ही अच्छे बॉलर है और 1-2 विकेट आपको दिला सकते हैं। वहीं पे मैंने यहाँ पे अबू हैदर को लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे मुजीबुल रहमान को ले सकते हैं, सपूत जादरान को ले सकते हैं, करीम जिन्नत को ले सकते हैं, और अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे शायद मेहदी मिराज को भी थोड़ा बहुत चांसेस है इनके खेलने के। तो फ्रेंड, बात कर लेते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की। वाइस कैप्टन मैंने यहाँ पे तमीम इकबाल लिया है, वाइस और कैप्टन मैंने यहाँ पे राशिद खान को लिया है। आप चाहें तो मोहम्मद नबी को भी कैप्टन ले सकते हैं। इसके अलावा ग्रैंड लीग की बात करें तो आप चाहें तो अहमद सदत को बना सकते हो, मोहम्मद उल्ला का बना सकते हो, और मुदस्सिर हसन भी एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे आपको ग्रैंड लीग के लिए। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।